आज की वीडियो होने वाली है कैन के बारे में। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैन का यूज अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कैसे कर सकते हैं। हम कैन का यूज करते हैं अपने प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी क्या होती है? किसी काम को करने की आपकी क्षमता, उसे हम एबिलिटी या कैपेसिटी कहते हैं। प्रेजेंट की मतलब की अभी की एबिलिटी, जो काम आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट टाइम में कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाना बना सकती हूँ, है ना, मैं खाना बना सकती हूँ, तो इसमें मैं क्या बता रही हूँ? मैं इसमें आपको अपनी एबिलिटी यानी कैपेसिटी बता रही हूँ कि आई कैन कुक फूड। ओके, आई कैन प्रिपेयर फूड और आई कैन कुक फूड। इसका जो रूल होगा फॉर द सिंपल सेंटेंस, द रूल विल बी आई कैन एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई कैन एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके अपनी कैपेसिटी को बताना। ओके, सो अगर मैं ये बोलूं कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैसे बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच। मैं गाना गा सकती हूँ, आई कैन सिंग। अगर आपको इसी से क्वेश्चन बनाना हो, आपको किसी की एबिलिटी पूछनी हो या कैपेसिटी पूछनी हो, तो आप यूज कर सकते हो कैन का। ठीक है, बस आपको कैन को पहले रखना होगा, कैन यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो? आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इन सेंटेंसेस में बस यही पता चल रहा है कि आप अपनी एबिलिटी को बताने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी बता रहे हो। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आप 100 kg वेट उठा सकती हो। इस क्वेश्चन में आप मेरी एबिलिटी जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस 100 kg के वेट को उठा सकती हूँ। तो अब इस सेंटेंस को हम किससे पूछेंगे? कैन से। फॉर क्वेश्चन, फॉर आस्किंग क्वेश्चन, हम हमेशा मोडल वर्ब को पहले लेके जाते हैं। सो पहले ले जाने के लिए हम यूज करेंगे कैन का। आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो तो आप बोलोगे यू कैन। यू किसी चीज को उठाने को बोलते हैं लिफ्ट। सो कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? मैं नहीं उठा सकती हूँ। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप बनाओगे आई कैन नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके। सिंपली से आई कैन नॉट डू इट, यानी कि आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट। जब आप कोई काम नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली बोलोगे आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट। मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, आई कैन नॉट टीच। आप सब्जेक्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। अगर बोलने वाला कोई अदर पर्सन हो, यानी कि या किसी का नाम हो, तो आप कह सकते हो मेरा भाई ये 100 kg का वेट उठा सकता है। सो यू कैन इजीली से माय ब्रदर कैन लिफ्ट 100 kg वेट। मेरी बहन इंग्लिश बोल सकती है, माय सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश, माय सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश। इन दिस शॉर्ट वीडियो आई टोल्ड यू द मोस्ट बेसिक यूज ऑफ कैन। आई होप यू लाइक माय वीडियो, आई होप दैट यू आर सब्सक्राइबिंग इट एज वेल।